सो एज आई शोन यू कि मैं अभी वियतनाम एयरपोर्ट पे हूँ, हो चिन मिन सिटी में हूँ, और हम लोगों ने अभी कॉफ़ी पी है, बर्गर खाया है। इंडिया से ले गए हैं क्योंकि मुझे पता था कि मुझे वेज का कुछ नहीं ऑप्शन मिल रहा है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं फ्लाइट बोर्ड, ये है वियत जेट एयर, हम लोग कर रहे हैं फ्लाइट बोर्ड फ्रॉम दिल्ली टू वियतनाम। अब ये जो फ़्लाइट है हमें कॉस्ट पड़ी है 93,000 रुपीज़ फॉर टू पीपल, एंड 3 घंटे का अपना हॉल्ट होने वाला है और उसके बाद हम वापस से वियत जेट एयर बोर्ड करेंगे और पहुँचेंगे बाली के लिए। सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द फ्लाइट एंड फ्रॉम द विंडो सीट। क्लाउडी है, अच्छा खासा पानी दिख रहा है, नज़ारे अच्छे हैं, और थोड़ी सी थ्रिलिंग थी ये फ्लाइट, कंजस्टेड भी थी, बट मज़ा आया रास्ते में क्योंकि हम लोग अपना एडिटिंग और ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करते हुए गए हैं। एयरपोर्ट देखते हैं अब कैसा है। सो ये है एयरपोर्ट वियतनाम का, अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रांजिट एरिया में सो दैट हम लोग दूसरी फ्लाइट के लिए एंटर कर पाए, पर 3 घंटे का हॉल्ट है तो सोचा कि हम थोड़ा सा एयरपोर्ट घूम लेते हैं। सो एयरपोर्ट पे क्या क्या है वो दिखाते हैं आपको, क्या आप साथ लेके जा सकते हो बाली के लिए, या आप बुक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। सो दैट आई विल शो यू इन द एयरपोर्ट व्हाट यू कैन बाय एंड व्हाट यू कैन कीप। लोग भाग रहे हैं क्योंकि उनकी ट्रांजिट फ्लाइट जो है वो जल्दी की है और हम लोग पहले पहुंच चुके हैं क्योंकि हमारे पास 3 घंटे का टाइम है, सो वी कैन चिल। ओके, तो ये है वियतनाम का एयरपोर्ट, चलते हैं ट्रांजिट एरिया की तरफ, इमिग्रेशन ट्रांसफ़र की तरफ, चेकिंग के लिए आ रहे हैं, इंटरनेशनल डिपार्चर। ओके सो चलते हैं। सो दिस इज़ द ड्यूटी फ्री फॉर वियतनाम। देखते कि फ्लाइट कितने बजे की है हमारी और कब हमें मिलेगी। कहाँ लिखा है अभी तो मुझे दे। हाँ तो 23 है हमारी वाली नहीं है। फ्लाइट नंबर 897 गेट नंबर 19। ओके तो ये है बोर्डिंग वाला एरिया यहाँ का वियतनाम का। ड्यूटी फ्री थोड़ा सा घूमते हैं, थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं और कुछ खा लेते हैं, भूख लगी है क्योंकि फ्लाइट में तो हमें कुछ खाने को मिला नहीं है। यहाँ पे कॉफ़ी शॉप एयरपोर्ट के अंदर, कोकोनट कॉफ़ी, आई वांट टू ट्राई दिस। देखिए वेजिटेरियन का आपको कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, सब कुछ वीगन से। बड़ा खाना बल बस का हम नहीं खेल रहे। गार्लिक क्रीम चीज ब्रेड इंटरनेशनल ऑन किया हुआ ना। थैंक यू। Thank you.
ये हम इंडिया से लाए हैं। ये हम इंडिया से लेके आए हैं क्योंकि मुझे पता था कि मुझे वेज का कुछ नहीं ऑप्शन मिल रहा है। ये क्या है? मेरा कौन सा? अमेरिकन ऑमलेट। तुमने स्पेशल लिए क्या? शक्ल से मुझे लग रहा है कि इसको पसंद नहीं आया। आया पसंद? अच्छा, थोड़ा तेज बोलो, क्या कह रहे हो? बहुत सिंपल है पर अच्छा। गुड, कॉफी आ चुकी है। बर्गर मेरा ऑलरेडी मेरे पास है। द कॉफी इज टू हॉट। This is what? Fish oil, sir. कहाँ लिखा है? लिखा तो उनकी भाषा में ही है, but है fish oil. How do you know that? पहले हल्का try कर लो, पूरा मत खराब करना। Fish oil. $1.5, $2 magnet with opener. ये खाया है। ये अजीब सा लगा मुझे, अच्छा नहीं लगा। इस पर वियतनाम नहीं लिखा ना? अच्छा, ये फ्रिज पे लगी हुई, आगे देखना है या यहीं से लेना? आगे देखना था, नहीं तो वापस आ जाएंगे। लोग कितना सारे टिप डालते हैं यार। एक बंद टिप डाला, वो तो मुझे पता है। गेट नंबर 19, हमें यही तो जाना है। यहाँ की फेमस कैब बैम्बो कैब। ये गिरती नहीं होगी? गिरती नहीं होगी? इसको होल्ड कैसे करते हैं? पेंटिंग अच्छी है। ओ, तुम्हारे लिए प्लेट मिल गई। $4 keychain. Do you have magnets also? Yes. Magnets? Many. Yeah. This one? Yeah. Ah, can I take this out? Thank you. $3. Did anything lesser than $3? $3. Lesser than $3.
I said lesser than $3. $4. Silver वाला बहुत अच्छा लग रहा है कि just keep this. This or this? ऊपर वाला? नीचे वाला? पक्का? Okay. Give me this one. Yeah. Plate तो नहीं? हाँ. $4. How can we pay for that? Yes. How can we pay for that? Without the card or cash? Yes, that is card. Card. Yeah. Wallets, take the wallets. Here you go. Shitaj, sign karna hoga aapko. Oh my god. Nice. How much is this for? Gancha ke liye le le. So, as I've shown you ki main abhi Vietnam airport pe hu, Ho Chi Minh City mein hu. और हम लोगों ने अभी कॉफ़ी पी है, बर्गर खाया है. वैसे तो सुना था कि वियतनाम इज़ अ चीपेस्ट सिटी, आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटी नहीं है, कंट्री नहीं है. तो अभी हम लोगों ने दो कॉफ़ी और एक बर्गर लिया था, विच कॉस्टेड अस हाउ मच, 1400 के अप्रॉक्सीमेटली. एंड मुझे लगा नहीं कि इतना एक्सपेंसिव होना चाहिए था, बट ठीक है, फिर भी चलेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, हमने वियतनाम का वो ले लिया है मैगनेट, विच इज़ ऑल्सो ऑफ $3 वी बॉट. कॉफ़ी ले ली है, खा लिया है, पी लिया, अब चलेंगे सीधा दूसरी फ्लाइट को लेने के लिए. और कैब्स हैं यहाँ पे वियतनाम की बहुत अच्छी, जो कि लोग ट्राई कर सकते हैं. उसके अलावा फ़िश ऑयल मस्ट ट्राई है, ऐसा शुदज ने बोला है, मैंने ट्राई नहीं किया है बिकॉज आई बीन वेजिटेरियन. और अगर आप लोग वेजिटेरियन हो तो आप लोगों के लिए भी स्ट्रगल होने वाला है. तो आई एम टेलिंग यू क्लियरली कि अगर आप वियतनाम आओ तो प्लीज़ अपना खाना साथ लेकर आओ. यहाँ पे आपको वेज ना ही एयरपोर्ट पे मुझे नज़र आ रहा है, ना मुझे कोई फील आ रहा है कि बाहर भी मुझे नहीं मिलेगा, बिकॉज एवरी थिंग वॉज ऑफ बीकन एंड देन वॉट चिकन एंड हैम एंड बीफ एंड पता नहीं क्या क्या जो मेरे सर के ऊपर से जाता है. तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके लिए मस्ट ट्राई है. और आप वैसे तो एयरपोर्ट के सबके एक्सपेंसिव ही होते हैं, बट ठीक है, इतना बिल भी दो कॉफ़ी और एक छोटे से बर्गर के लिए बस नॉट दैट गुड. ठीक है, चलेगा. अब आप लोग कभी भी आओ तो वेजिटेरियन हो तो सोच समझ के आना, अपना खाना लेके आना. दिस कलर कॉम्बिनेशन इज गुड. You know, by now.